नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर जनपद में सोमवार को नववर्ष के शुभागमन के अवसर पर समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष एवं समस्त शाखा प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाने एवं कार्यालयों पर समस्त अधिकारी कर्मचारीगण की मीटिंग बुलाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गौरव द्वारा दिए गए नए वर्ष के शुभकामना संदेश को पढ़कर सुनाया गया एवं उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए इस वर्ष 2024 में बेहतर कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में बेलीपार थाना पर SP साउथ जितेंद्र कुमार द्वारा बेलीपार थाना प्रभारी व कर्मचारियों के साथ चौकीदारों की भी मीटिंग बुलाया गया। इस दौरान SP साउथ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गौरव द्वारा दिए गए नववर्ष शुभकामना संदेश को पढ़कर सुनाया एवं उनके दायित्वों से अवगत कराया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों व चौकीदारों को नव वर्ष के अवसर पर मिठाई बांटी गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर बेलीपार थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह सहित थाने के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, सुनाया गया है और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई है। और पिछले वर्ष जो व्यतीत हुआ है 2023 वर्ष, इसमें गोरखपुर पुलिस के द्वारा क्या क्या उपलब्धियाँ अर्जित की है उसके बारे में बताया गया। और हमारी जो 2024 नववर्ष है, इसमें पुलिस से जो जो अपेक्षाएँ हैं जो हमारे सामने आगामी लोकसभा और सभी त्यौहार महत्वपूर्ण में सभी जो चैलेंजेज हैं उनके बारे में भी हमें बताया गया। सभी से समय से तैयारी करने के लिए भी बताया गया। सभी की समस्याएं जो उनकी सुझाव थे उसके उसके बारे में बात की गई और जो आपस में व्यक्ति आराम से जो नाश्ता किया गया और एक एक जो टीम भावना है पुलिस की टीम वक्त की तरह काम करते थे अपने जो दायित्व है उनको पूरा करना वही मैसेज दिया।